अल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केस मम्मी का किचन। जुम्मा मुबारक। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मे का दिन ईद की दिन की तरह है। जुम्मे का दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जुम्मे का दिन की बरकत उम्मत मुहम्मदिया को ख़ास तौर पर इनायत की गई। जुम्मे का दिन में एक ऐसी ख़ास घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है। जुम्मे का दिन का ख़ास अमल दरूद शरीफ है। जुम्मे के दिन में जन्नत में हुस्न जमाल का बाजार लगेगा। जुम्मे का दिन ही क़यामत कायम होगी। जुम्मे का दिन गुनाहों को माफ़ी का दिन है। जुम्मे का दिन मौत का आना सादत और खुशकिस्मती की अलामत है। सुभान अल्लाह। देखिए मैं कलेजी बना रही हूँ। मैं ये मसाला है, देखिए ये गरम मसाला है, ये धनिया, ये दही है एक कटोरी। देखिए ये कलेजी को अच्छा साफ़ धो के मैं इसमें अदरक लहसुन डाल ले रही हूँ, मैरिनेशन कर रही हूँ। मैं ये हल्दी डाल ली आधा चम्मच, ये मिर्ची है, लाल मिर्च है एक चम्मच डाल ली मैं इसमें, अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची और ये धनिए का पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये धनिया है एक एक चम्मच है, देखिए ये भी डाल लेना इसमें। देखिए दही भी है, दही भी एक कटोरी ली मैं इसमें थोड़ा सा बचे में, देखिए ये डाल लेना, ये डाल लेके अच्छा मिक्स कर लेना, मिक्स कर लेके मैरिनेशन कर लेके। आपको टाइम है तो एक आधा घंटा रख सकते हैं, या नहीं बोले तो जब का जब भी बना सकते। आधा घंटा रखे तो क्या है, अच्छी टेस्टी होती। इसको अच्छा मिक्स कर लेना, मिक्स कर लेके ऐसा रख सकते हैं आपके पास अगर वक्त है तो। देखिए एक पैन ले ली मैं, एक पैन में तेल डाल ले रही हूँ मैं, दो ढक्कन तेल डाल ली मैं इसमें। देखिए प्याज एक दो डल्ली मीडियम साइज के, दो डल्ली प्याज ली मैं, उसको काट के इसमें फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए अच्छा फ्राई कर लेना ये। ज़्यादा भी नहीं जलना, और ये तीन हरी मिर्ची है ये भी बारीक काट लेके इसमें डाल ले रही हूँ। देखिए ये प्याज में, देखिए थोड़ी प्याज लाल हो गई, बस ज़्यादा फ्राई नहीं, ऐसा लाल हो सर का बस उसमें ये डाल लेना। देखिए मैं तो टाइम था मेरे पास, आधा घंटा रख ली थी मैं। देखिए इसमें डाल के अच्छा मिक्स कर लेना, ये डाल के अच्छा भुन लेना। देखिए इसका पानी पूरा सूखा हुआ सर का, अच्छा भुनना इसको। देखिए अच्छा भुनेगा, पानी पूरा सूख गया, फिर पानी एक आधी गिलास पानी डाल दूँ क्योंकि ज़रा कलेजी घट रही थी ना गलने के लिए, एक आधी गिलास पानी डाल ली। देखिए ये खोपरे का पाउडर है, देखिए नमक नहीं डाले बोल के समझेंगे, नमक लास्ट में डालती हूँ मैं कलेजी में, क्योंकि पहले कलेजी में अगर नमक डाल दिए तो सख्त होती कलेजी, इस वजह से लास्ट में डाली में। ये धनिया, ये कोतमीर है, कोतमीर और पुदीना, पुदीना भी डालना देखिए कलेजी में, क्योंकि उसकी खुशबू से ज़रा कलेजी में बो आती ना विसान, इस वजह से मैं ये डाली। देखिए अब नमक डाल रही मैं, ये लास्ट में नमक डाल रही मैं, ये नमक डाल के भी अच्छा मिक्स कर लेना, अच्छा भुन लेना इसको, बहुत ही मज़ेदार। देखिए आधा नींबू है, आधा नींबू भी डाल रही मैं इसमें, नींबू पुदीना ऐसा डालने से क्या है तरह कलेजी की वो बिसान बहुत जोर रहती वो निकल जाती। देखिए कोतमीर डाल रही मैं, पक गया, गल गई कलेजी, अच्छा सुक्का भुन ली। देखिए ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।